हर रोज इन्हें अपनी बातों की वजाहत देना पड़ती है। कोशिश करें जिंदगी में बुर्दबारी अपनाएं, तहम्मुल हो, ठहराओ, जरा सुने। मैं कई दफा मोहब्बत के साथ कहता हूं कि मियां बीवी की लड़ाई में ज्यादा गलती मियां साहब की होती है। ना घूरें आप मुझे, मैंने ठीक कहा है। आप ज्यादा घूर रहे हैं, इससे कम घूर लें, गुजारा हो जाएगा। वो इसलिए कि सबका मानना है ना कि औरत बेचारी की अकल कमजोर है, तो मियां साहब की तो पूरी है ना। तो घर के मसले इन्होंने सुलझाने थे, ये तो बराबरी पे उतर आए बहस करने पर। ये तो हर बात में कहते हैं मैं जीत के छोड़ूंगा, तो भाई अब तो फिर तुझे ही कहना पड़ेगा कि गलती तेरी है, क्योंकि तू अगर अकलमंद ज्यादा है तो तुझे बुर्दबार भी ज्यादा होना चाहिए था, तहम्मुल मिजाज भी ज्यादा होने चाहिए था, तेरी तबीयत के अंदर ठहराव भी। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दफा उनके कोई जानने वाले उनके पास से गुजरे, तो हजरत साइकिल पे थे, तो उस बंदे को देख के हजरत साइकिल से उतर गए, सलाम ली, लेकिन उसने ना जाते जाते कहा वालेकुम सलाम और गुजर गए। मेरा ख्याल है मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं दो को हफ्ते उसका तकबर बयान करता, माज अल्लाह बड़ा गुरूर है जी, तमीज ही कोई नहीं, मैं रुका हूं मिला ही नहीं। लेकिन अल्लाह वालों की सोचें और होती है। तो बंदे ने सलाम का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, गुजर गया, तो तशरीफ लाए क्लास में, तो आके फरमाने लगे यार उनके लिए दुआ करना, आज मुझे कुछ परेशान से लगे। बंदा बड़ा सियाना है, आज लगा है कुछ तकलीफ थी, किसी जहनी परेशानी का शिकार थे, वरना इस तरह का शख्स सारे हाथ उठा के दुआ करो, अगर उनको कोई परेशानी है तो अल्लाह उन्हें सुकून अता कर दे। हमने पूछा क्या हुआ, तो फरमाने लगे मैं तो उतरा हूँ उनसे मिलने को, लेकिन वो वालेकुम कह के तेजी से गुजर गए हैं, तो कोई ख़ास तकलीफ में होंगे, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तकलीफ़ महसूस होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। कुर्बान जाएं, अल्लाह के बंदों की सोचें इस तरह की होती हैं। और हमारे यहाँ गुमान फौरी तौर पर गुमान गुमराही की तरफ लौटता है, बदगुमानियाँ उरूज पकड़ लेती, बुर्दबारी, ठहराओ। एक फतवा हमारे यहाँ दिया जाता है बेटी के हक में माँ बाप की तरफ से, और एक फतवा दिया जाता है बहू के हक में। बेटी के ससुराल से शिकायत आ जाए ना, इसे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो फिर माँ बाप फतवा देते हैं, मशवरा देते हैं, कहते हैं अभी बच्ची है, सीखते सीखते ये बेटी के हक में। और अगर बहू की शिकायत आए ना काम करना नहीं आता, तो फिर ये वाला कुलिया यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, फिर कहते हैं अम्मा ने सिखा के नहीं भेजा, सिखा के भेजना चाहिए। आपके मिजाज में जो हौसले बेटी के लिए हैं, वही हौसले बहू के लिए क्यों नहीं? जो आपके दिल के अंदर दर्द अपनी औलाद के लिए, वो बाकियों के लिए क्यों नहीं? मुसलमान की शान ये है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है, ये उसका एजाज है। तो बुर्दबारी पैदा करें, और वो भी चंद लोगों के लिए नहीं, हुजूर की उम्मत के लिए। और इसी बुर्दबारी का अगला नतीजा ये होगा कि गुस्सा खत्म होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर उलमा से लोग 100 मसला पूछते हैं ना रोज, तो हो सकता है 95 तलाक के मसले हों, इतनी बड़ी रेशो हो गई है तलाक की। वजह क्या है? बुर्दबारी नहीं, गुस्सा है, और शदीद गुस्सा है। गुस्सा अच्छा है, गुस्सा बुरी चीज़ नहीं, लेकिन गुस्सा आना चाहिए जब अल्लाह की हदें तोड़ी जाएं, शरीयत की मुखालफत, ये तो गुस्सा महमूद है। लेकिन हमें गुस्सा आता है जब कोई हमारी ज़ाती मुखालफत करता है, हुदूदुल्लाह के मामले में हम गुस्सा नहीं करते। अजीज दोस्तों याद रखना, गुस्सा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसे पहलवान जानता हूँ जो गुस्से के वक़्त अपने आप पर कंट्रोल कर ले। उसे हुजूर ने पहलवान कहा, उसे शदीद गुस्सा आया, इश्तियाल दिलाया गया, सख्त लहजा हो सकता था, सब उसे आता है, लेकिन रब की रिजा के लिए कंट्रोल कर गया। यहाँ तो ना असातिज़ा को लोग माफ़ी देते हैं, ना बुज़ुर्गों को देते हैं, ना वालदैन को देते हैं, क्यों जी? बाद में कहते हैं मुझे गुस्सा था। वो खुदा के बंदे यही तो मकाम
जगह थी, मकाम था जहां इम्तिहान था थोड़ा सा, तो बुर्दबारी, गुस्से से दूरी। और तीसरी बात, अपनी जिंदगी हिकमत के साथ गुजारें। दानाई हुस्न है दीन का। नबी पाक ने सिर्फ कुरान नहीं सिखाया, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर ने किताब भी सिखाई है और साथ हिकमत भी सिखाई। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हिकमत और दानाई ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले वहीं से ले लो। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटा मेरे जो तजर्बे हैं ना, मैंने उनकी कीमत चुकाई है, मेहनत की है, जद्दोजहद के बाद तजर्बे सीखें। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? माशाल्लाह, आज मैंने दोस्तों का मुजाहिदा आजमाया है, तकरीबन 18 मिनट बगैर मोबाइल के निकाले हैं कुछ दोस्तों ने, ये मैंने आज मुजाहिदा देखा है। चलें, इतना तो हौसला पैदा हो ही गया अल्लाह के फजल। 18-17 मिनट तकरीबन मेरे सामने खड़ी है, इतनी देर कुछ दोस्तों के मोबाइल रहे। चलें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद लग गई है अब के ये 30 भी हो ही जाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। इतनी को देर निकलती है हमारी मोबाइल के, अल्लाह सलामती अता करे आप। बस बात भी समेटने लगा हूँ, आप गौर फरमाइएगा। हिकमत, दानाई, हजरत लुकमान फरमाते हैं, हमारे पास जो दानाई है हमने उसकी कीमत चुकाई है। और फरमाते हैं, तुम्हें कह रहे हैं कि बगैर कीमत के दानाई ले लो, तुम्हें कीमत ना चुकानी पड़े, तुम वैसे ले लो दानाई। अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, बिलखसूस बिलखसूस सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इरशादात से हिकमत सीखें। हुजूर दानाई की बात करते और तदब्बुर की बात करते। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास ना झंडा था फतेह मक्का के मौके पर, तो एक ऐसा वक्त आ गया, माहौल ऐसा बन गया कि उनसे झंडा वापस लेना पड़ा। ये लफ्ज बोला जाता है अलम बरदार। तो गजवात के अंदर, जंगों के अंदर किसी के हाथ में, जिसके हाथ में झंडा होता था, जो अलम बरदार होता था, एक अहम पोस्ट पर होता था, आगे आगे चलता था। और ये इतना अहम काम था कि जंगे मौता के मौके पर सरकार ने नसीहत फरमाई थी, अगर फलां शहीद हो जाए तो झंडा फलां के हाथ में, फलां शहीद हो जाए तो फलां के हाथ। ये अहम काम था। तो हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास झंडा था। अब कुछ हालात ऐसे बन गए कि तकाजा हिकमत का ये था कि झंडा उनसे लिया जाए, मुतालबा हो रहा है। लेकिन खिदमात बड़ी हैं, अजमत बड़ी है, शान बड़ी है, बहुत बड़े आदमी, और कोई ऐसी बात भी नहीं कि ज़रूर उनसे लिया जाए, पर हिकमत का तकाजा है कि ले लिया जाए। अब क्या किया जाए, कैसे झंडा मांगा जाए? तो चंद लोगों ने मुतालबा किया कि आप यूं करें, इनसे झंडा वापस लें। अब ये मेरे रसूल करीम का तरीका देखो, हुजूर ने फरमाया कोई मसला नहीं, झंडा ले लेते हैं साथ से। अल्लाह के हबीब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लेके उन्हीं के बेटे को दे दिया। फरमाया आपके बेटे अब झंडा लेंगे। दुनिया में उस वक्त बंदा ज्यादा जवान हो जाता है जब वो समझता है मेरे काम तो मेरे पुत्र ने संभाल लिए। तो मौज बन गई है, अब तो ये वो सीट पे आ गया है, कमाल हो गई, खैर सल्ला अब तो। तो बजाय इसके कि हजरत साद बिन उबादा परेशान होते कि मुझसे ले लिया है, वो पहले से भी ज्यादा राजी हो गए, क्या कमाल हो गई। अब वो लोग भी हुजूर की हिकमत पर अश अश कर उठे, जिन्होंने ये अर्ज पेश की थी, कहा या रसूल्लाह ये तो कमाल हो गई, क्या तदब्बुर है, क्या फहम व फिरासत है, क्या दानाई है, क्या हिकमत है। हम ना जिंदगी गुजारते हैं लेकिन दानाइयों को शामिल नहीं करते हैं।